अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूट सिस्टर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे व्लॉग्स डेली देखते होंगे। तो अभी दिन हो रही है और दिन के हो रहे हैं 1:40। तो ये हम खाएंगे कॉर्न्स, यानी जिसको उर्दू में कहते हैं छल्ली। सो फाइनली हम लोगों ने छल्ली भी खा ली है और अभी मैं आपको इतना मतलब बात बताती हूँ। रात को इश्मिल के पूरी रात दांत में दर्द था, तो आज हम इश्मिल का दांत निकलवाने के लिए जाएंगे डेंटिस्ट के पास। पहले हमने अभी जाना था लेकिन अभी नहीं जा रहे। खाना खा के हम लोग जाएंगे 5 o'clock तक, क्योंकि 3 o'clock भी टाइम है बट उस वक्त ज़रा तेज़ धूप होती है। 5 o'clock तक हम लोग जाएँगे। अभी खाना खा के मदरसे जाएँगे, शायद मैं और इश्मिल शायद ना जाएँ। पूरी रात इश्मिल के दांत में दर्द था। वो मैं और इश्मिल तो टॉफ़ीज़ भी बहुत खाते हैं हर वक्त, चॉकलेट्स भी इसी वजह से। तो वो आज फिर निकलवाएंगे उसका दांत, आपको भी साथ साथ दिखाएंगे। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये है बाहर का व्यू, अभी आप देख सकते हो कि क्लाउड्स आए हुए हैं और ये पूरा व्यू है। सो आप सब ने ज़रूर दुआ करनी है कि यहाँ पर भी बारिश लग जाए, क्योंकि और सिटीज़ में लगी हुई है, मतलब इस्लामाबाद में भी और भी बहुत से सिटीज़ है जहाँ पर रेनफॉल हो रही है। एक एबटाबाद में ही नहीं हो रही, बस क्लाउड्स आते हैं और फिर चले जाते हैं और फिर से धूप निकल आती है। बारिश हो तो हम लोग से ही इन्जॉय करने वाले हैं रेनफॉल में। तो आप सब ने ज़रूर दुआ करनी है कि जल्दी जल्दी रेनफॉल हो। मैंने बहुत सी एक्टिविटीज़ सोची हुई हैं, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं हम लोग। अगर आप जानना चाहते हो हमारी एक्टिविटीज़ के बारे में, हमारे रूटीन के बारे में, और जानना चाहते हो कि कब रेनफॉल हो रही है एबटाबाद में, क्या व्यू है, सब मैं आपको दिखाऊंगी, यानी हम तीनों मिलकर आपको दिखाएंगे। तो आपने बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और कॉमेंट भी कर दिया करें। अभी खाना रेडी हो रहा है, फिर खाना खाते हैं और फिर अगली रूटीन देखते हैं। सुबह से इसलिए व्लॉग नहीं स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पेपर्स हो रहे हैं, तो उनकी तैयारी कर रही थी। सो फाइनली खाना रेडी हो गया, अब हम खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
अभी हम वेट करें क्योंकि अभी 5 जो बंदे हैं वो रहते हैं, उसके बाद इश्मेल का नंबर आएगा। डर लग रहा है। तो यहाँ पर एक बालकनी टाइप बनी है, वहाँ पर हम आए हुए अभी थोड़ा टाइम पास के लिए। डर लग रहा है। अभी हम इश्मेल का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फिर सब देखेंगे। ये कुछ इस तरह की जगह है। तो अभी हम इधर वेट कर रहे हैं। अभी फिर हम बाहर आ गए हैं क्योंकि अभी तक हमारे नंबर नहीं आया। नीचे से कुछ इस तरह का व्यू है। अभी हम निकलवा के नीचे आ चुके हैं और ये इश्मेल का रिएक्शन है। सो अभी हम मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम लाए हैं इश्मेल के लिए, क्योंकि जब दांत निकला हो तो उसके बाद आइसक्रीम खाते हैं, तो उसके लिए दूसरी मिली नहीं है पॉप्सिकल, तो इसीलिए फैमिली पैक ही लाना पड़ा। तो अभी हम लाए हैं ये आइसक्रीम मैंगो फ्लेवर की, क्योंकि सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग फ्री हो चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं। अभी हम इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। तो अंदर हम लोग जब इसका ट्रीटमेंट हो रहा था, मतलब दांत निकल रहा था, उस वक्त प्रॉपर व्लॉग इसलिए नहीं बना सके क्योंकि हमें अलाउ ही नहीं था। मुझे और मिशाइम को जाने नहीं दिया। हम दोनों गए तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पर खड़ा होना अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने बाबा को आराम से बोला कि आप किसी तरह छुप के वीडियो बना लें, क्योंकि वहाँ पर वीडियो भी अलाउ नहीं थी। बट क्या करूँ, मैं आप लोगों को कहा हुआ था जो मैं कह दूँ वो मैं करती हूँ। तो फिर मैं छुप के वीडियो बनवाई और वो ऐड कर दिया, आप लोगों ने देख भी ली होगी। और इश्मेल को अभी हमने बोला कि आपको सिर्फ अभी मेडिसिन लगाई हुई है, अभी आपका दांत नहीं निकला, तो 2-3 दिनों बाद आपका दांत निकलेगा। लेकिन उसका दांत निकल चुका है, आपको दिखाती हूँ वो भी। और अभी वो समझ रही है कि उनका दांत नहीं निकला, बस अभी सिर्फ मेडिसिन लगी हुई है। थोड़ा बहुत रोई, बट क्योंकि उनकी फ़र्स्ट टाइम थी ना डेंटिस्ट के पास दांत निकलवाने की, फ़र्स्ट टाइम उन्होंने निकलवाया और उनका रिएक्शन भी। तो अभी चल के आपको मैं इश्मेल का दांत दिखाती हूँ जो निकलवाया है। तो मैंने सोचा अभी आपको दिखा देती हूँ। ये है, ये जो पीछे ये वाला नहीं था दांत, आगे वाले नहीं थे, पीछे वाले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो,
शेयर करो, कमेंट करो, एंड अल्लाह हाफिज़।